हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मार्कंडेय त्रिपाठी है। चलिए हम वीपीएन के दूसरे पार्ट में देखते हैं कि कैसे क्लाइंट बेस्ड एमवीपीएन सर्वर को डायलॉग को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसके लिए अभी मैं अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आप हमारे फेसबुक पेज से कनेक्ट हो सकते हैं, facebook.com/markandeya.tripathi2 से आप कनेक्ट होकर हमारे सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए शॉर्ट मैसेज के साथ अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क में मैं राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में आता हूँ। तो प्रॉपर्टी में हमारा ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो यहाँ पे एक सेटअप न्यू कनेक्शन है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे कई सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें क्लिक करना है कनेक्ट टू वर्क प्लेस। नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं वीपीएन चूज करता हूँ। यहाँ पे मैं अपने सर्वर की आईपी एड्रेस देता हूँ, 192.168.1.188। ये जो हमारा है सर्वर की आईपी एड्रेस है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। और यहाँ से मैं अपना यूजर नेम देता हूँ। हमारा जो यूजर नेम है वहाँ पे अमन है, अमन। मैं अपना पासवर्ड इंटर करता हूँ और कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखता हूँ ये कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। मैं भी इसको स्कैप करता हूँ, क्लोज करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वीपीएन कनेक्शन बन गया होगा। इसका मैं शॉर्टकट चाहता हूँ डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाए, तो मैं शॉर्टकट करके यस करता हूँ। तो एक मेरा शॉर्टकट डेस्कटॉप पे आ गया होगा। यहाँ मैं वीपीएन कनेक्शन के नाम पे मैं अपना पासवर्ड देता हूँ, देखता हूँ कि ये हमारा कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए ये कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे पोर्ट हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल हैं, उस प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है। कह रहा है कि री इंटर द पासवर्ड एंड पासवर्ड लगा था, मैं गलत टाइप कर दिया था। तो अब ये कॉन्फ़िगर कर रहा है और देखिए हमारा वीपीएन कनेक्शन लग रहा है बन गया। अब देखते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी में आते हैं और चेंज एडाप्टर पे आते हैं। यहाँ पे वीपीएन कनेक्शन मेरा बन गया। मैंने 20 के रेंज में आईपी दिया था, देखता हूँ इसको आईपी क्या मिला है। मैं स्टेटस पे आता हूँ, डिटेल पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने वहाँ पे 1 से लेकर 100 तक दिया था, ये 2 पा गया यहाँ पे। तो आईपी यहाँ से देखिए इसे मिल रहा है, ये हमसे कनेक्शन बना लिया है। मैं इसे पिंग कराता हूँ, क्या हमारा ये 20 के रेंज में पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो मैं सीएमडी पे आता हूँ, यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ पिंग स्पेस 20.20.20.1, इंटर करता हूँ। देखिए हमारा रिप्लाई भी आ रहा है, यानी और फिर से मैं देखता हूँ क्या हमारा 192 से भी कर रहा है, दोनों हमारे नेटवर्क से पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसके लिए मैं अपना ओबी आईपी डालता हूँ, यहाँ पे पिंग मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिंग स्पेस 192.168.1.188। ये हमारा आईपी एड्रेस है। तो देखते हैं इसे मेरा सर्वर पिंग कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा है, एक मिनट मैं फिर से चेक करता हूँ। जो हमारा है 188-T में करता हूँ, ये कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। यहाँ पे वीपीएन कनेक्शन तो हमारा बन गया है। यहाँ पे मैं देखता हूँ फायरवॉल वगैरह तो आ, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि एक क्लाइंट है शुभम नाम का, जो हमारा यूजर है, ये हमसे कनेक्ट है। मैं यहाँ से इसे डिसकनेक्ट भी कर सकता हूँ। यहाँ से मैं डिसकनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे आते हैं अपने क्लाइंट पे, देखते हैं क्या ये डिसकनेक्ट हो गया है कि नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे डिसकनेक्ट हो गया है। तो फिर से मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर अपना मैं पासवर्ड देता हूँ, हम अपना यूजर नेम, फिर मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड देता हूँ। देखिए हमारा फिर कनेक्शन बन गया। तो ये हमारा उससे पिंग हो रहा है। तो देखिए ये जो हमारा जो है पिंग हो रहा है, 192 से हो रहा है, तभी ये हो पा रहा है। ठीक है, तो भी मैं इसमें फायरवॉल वगैरह की प्रॉब्लम होगी। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर लिसनिंग।